हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्कॉलर शंख। आज की इस वीडियो की कुछ खास बात है। ये जो वीडियो है सबसे हाई डिमांड पे थी, मेरे को सबने रिकमेंड करा प्लीज़ आप इस पे वीडियो बनाओ, प्लीज़ कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। तो वीडियो ये काफ़ी डिमांडेड है, काफ़ी कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे है, तो प्लीज़ सबसे पहले से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बी एड फर्स्ट ईयर CCS यूनिवर्सिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की बुक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 110% आने के पूरे चांसेस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इट टाइप्स। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषित करें और वह क्या है, उसके प्रकार बताइए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को क्वेश्चन हर साल आया है और हर टाइम आता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमेशा मोस्ट रहता ही है, ये वैसे सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के भी इसमें सेकंड पार्ट में दे देते हैं कई बार, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, गिव इट्स इंस्ट्रक्शन। क्रमोदेशित निर्देश क्या हैं, उनके बारे में उसकी खूबी लिखो। ये हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो सिंपल ही आता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, कई बार ये आ जाता है, मोस्टली ज़्यादा अगर देखने को मिला है कि लीनियर और एक्सट्रिंसिक या फिर ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग क्या है, इनके ऊपर भी आता है क्वेश्चन। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है 7 मार्क्स का कि इन दोनों के बारे में लिखिए, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर स्ट्रेटजीज ऑफ टीचर, शिक्षक की रणनीति क्या है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है, लेक्चर स्ट्रेटजी, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, आपकी लेक्चर हो गया, चौक एंड टॉक मेथड हो गया, काफ़ी जितने भी स्ट्रेटजीज हैं उनको कहता है इसमें लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सिंपल आपसे ये पूछ लें कि व्हाट आर स्ट्रेटजीज ऑफ टीचर्स, और उसका दूसरा फिर उसमें क्वेश्चन पूछ ले जैसे रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी क्या है, फिर नेक्स्ट पूछ ले उसी में ब्रेनस्टॉर्म स्ट्रेटजी। ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं लिखवा रही हूँ। रोल प्ले और ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी जो है सबसे ज्यादा पूछी गई है, तो काफी स्ट्रेटजीज आप इसमें पढ़ सकते हो। इसकी दो टाइप्स और होती हैं, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिव, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो स्ट्रेटजीज आप पढ़ लोगे तो उसमें सारा डिटेल पढ़ लोगे, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर फेसेस ऑफ टीचिंग। शिक्षा 3 चरण होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। क्वेश्चन सीधा यही आ जाता है, फेसेस बताओ और ये तीनों का एक्सप्लेन करो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर टीचिंग एड्स, एक्सप्लेन देयर मीनिंग एंड नीड्स। शिक्षक सहायक सामग्री क्या है, उनके अर्थ और आवश्यकता की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो हमारा टीचिंग एड्स में आता है, एक चीज और बता दूं, आपकी जो OHP आता है, लैंग्वेज लिबरिटी जो होता है, ये सब टीचिंग एड्स में आते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिस्कस द एम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, सॉरी फॉर दैट, उद्देश्य, फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शायद से 2 मार्क्स में 110% आएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल होते हैं हमारे शिक्षण के स्तर पर चर्चा कीजिए, स्मृति स्तर, समझ का स्तर, प्रतिबिंबित स्तर, मोस्ट एंड 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज टीचिंग एड, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। शिक्षण सहायक क्या है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक को साधनों पे चर्चा की, अभी मैंने आपको बताई दिया था OHP वगैरह, लैंग्वेज लेबोरेटरी वगैरह। नेक्स्ट इज डिफाइन अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल एजुकेशन। ये भी 80 से 90% के चांसेस इस क्वेश्चन के आने के। जवाबदेही प्रभाषित किए, स्कूली शिक्षा में जवाबदेही के महत्व का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन ईडर डेल्स एक्सपीरियंस कोन इन डिटेल एंड डिस्कस इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशंस।
इडगर डेल अनुभव शंकु को विस्तार से समझाइए और चर्चा करें कि ये शिक्षा के निहितार्थ है। हमारे जो इडगर बोलते हैं उन्होंने कौन बना के एक्सपीरियंस करा था पूरा एडुकेशन का, उसके लिए क्वेश्चन आ सकता है पूरा, हमें डायग्राम बना के दिखाना होगा। आप देख रहे हो अभी तो कहता है इस क्वेश्चन को, उसके साइड में एक डायग्राम भी होता है, उसको बना के आप ये सोच लीजिए अगर आपका आपने 4 मार्क्स अभी मैटर लिखा ना तो आपको 5 मिल ही जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।